वेलकम टू गेट रिच विद आशका। इस शो के साथ मुझे 6 महीने हो गए और बहुत आनंद आता है ये बताने में कि इस शो के द्वारा मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ती हूँ जो कमाते हैं, कमाने के साथ सेव करते हैं और सेव करने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, एक वेल्दी फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पराग गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। वेलकम टू गेट रिच विद आशका। थैंक यू। वेलकम टू गेट रिच विद आशका। अंजलि, आप लोगों ने ये शो देखा है पहले? यस मैम, देखा है। हाँ जी, देखा। बताइए अपने बारे में। यू लुक लाइक अ यंग कपल। क्या करते हैं आप? कौन है आपके फैमिली में? क्या कमाते हैं आप? कितना एक्सपेंस करते हैं? मैं बेसिकली अपना एक कोचिंग सेंटर रन करता हूँ नोएडा में। दो ब्रांचेस हमारी नोएडा में है और एक ब्रांच दिल्ली में है। इसके अलावा मैं एक ऑथर भी हूँ। क्लास 12th के लिए, CA के लिए मैंने कुछ बुक्स भी ऑथर करी हैं। और हमारी फैमिली में बेसिकली टोटल अभी 5 लोग हैं। मी, अंजलि, मदर, फादर और दादी। फादर रिटायर हैं, मदर भी होम मेकर हैं। अंजलि मेरे साथ ही इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का, एडवर्टीजमेंट का और फैकल्टीज का जो काम है वो संभालती हैं। तो हमारी मंथली इनकम जो है वो अराउंड 1,50,000 के अराउंड है। और एक्सपेंसेस जो रह जाते हैं मंथली हमारे वो अराउंड 80,000-90,000 होते हैं। तो लगभग 60,000 रुपए के आसपास आप बचत करते हैं लगभग। इमरजेंसी फंड की क्या स्थिति है? अभी हम लोग का क्या रहता है कि कुछ भी अगर अर्निंग हुई तो उसको थोड़ा लैविशली हम लोग स्पेंड कर देते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर के लिए सेव करें, बट इमरजेंसी फंड के नाम पर अभी काफी बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं है। ओके, सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स? हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट्स तो अभी हमारे पास हैं लगभग 2-2.5 लाख की, और बचत खाते में हमारे पास होंगे 3-3.5 लाख। और बाकी मेजर इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी, तो वो उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट अभी लेके चल रहे हैं। ओके, कोई किस्म की लोन? एक घर खरीदा था पहले, आज से 7-8 साल पहले, उसका एक होम लोन चल रहा है। EMI कितना है उसका? उसका EMI है 15,000 रुपए। एक्सपेंस में गिना है 15,000? जी जी। ओके, और कितने साल ये लोन चलने वाला है? ये 15 साल का लोन है। आई एम प्लानिंग कि इसको हम 1-2 साल में पूरे को खत्म कर दें। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस? हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले रखे हैं, मैंने अपना ले रखा है, फैमिली के कवर्ड है, वाइफ का भी है। क्या कैपेसिटी है बताएंगे? अराउंड 2,50,000। इंडिविजुअल आपका? हाँ, इंडिविजुअल। और फैमिली फ्लोटर? वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका। ओके, अंजलि आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता है? हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली अभी जस्ट मैरिज के बाद लिया है, तो फिर मुझे उसका भी आइडिया नहीं है। ओके, अभी हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया और उसकी याद में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतों को करना सिर्फ ये नहीं होता है कि उनके पास एक करियर हो, पर यह भी होता है कि उनके अपने फाइनेंसेस से जुड़े हर इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो, नॉलेज हो कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस कितना है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, सेविंग्स कितना है, मैं अपने कमाई के बारे में क्या करती हूँ। सो अंजलि, यू मस्ट नो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, किस कंपनी के साथ है और आप क्या प्रीमियम भरती है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट होने का कोई पूरा फायदा होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली right? मैं अब बस इसके लिए अब करूंगी वर्क और जल्द से जल्द इसके बारे में पता करूंगी। जी बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस, पराग आप अपने बारे में बताइए। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मैंने टर्म प्लान्स ले रखे हैं और उसमें टोटल कवर जो है वो 2.5 करोड़ का है। और कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने? इसके अलावा हम लोग इक्विटी में SIPs करते हैं, वो मेरी वाइफ करती है बेसिकली, मंथली 15,000 की, और मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ और थोड़ा ट्रेड करता हूँ। कौन सी SIP में आप निवेश करती हैं अंजलि? 3 SIPs हमारी जाती है, तो HDFC प्रो और ICICI प्रोडेंस और ICICI ब्लू चिप। किसी ने सजेस्ट किया था आपको इन फंड्स के बारे में? अंजलि के फादर हैं, उन्हीं के एक फंड मैनेजर थे, तो उन्होंने पहले से ये फंड इनका अंजलि का देख रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि ये 3 जो SIPs हैं वो ले लेंगे। तो जब उन्होंने आपको ये सजेस्ट किया था तब उन्होंने आपसे बैठ के आपके जीवन के बारे में, आपके एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में जानकारी ली थी? नहीं, ऐसे तो जानकारी नहीं। आप किसी को
अपनी लाइफ पूरी तरह से बताएं, अपनी इनकम बताएं, अपने एक्सपेंसेस बताएं, अपने गोल्स बताएं और उसके पश्चात कोई स्टडी करके आपको कुछ अगर सजेस्ट करता है तो वो पूरी तरह से एडवाइस होती है. रैंडमली अगर हम लोग म्यूचुअल फंड के इस तरह से नाम देने लग गए तो दैट्स नो फाइनेंशियल प्लानिंग. हमारे लिए ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं, लोग कितना जानना चाहते हैं और यू नो सिंपली लोग अपने आप को कितना एजुकेट करना चाहते हैं. सो उस मुद्दे पे हम अभी नहीं बात करेंगे कि ये फंड्स आपके लिए राइट है कि नहीं. सबसे पहले ये समझ लो कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इमरजेंसी फंड सिक्योर्ड है कि नहीं. अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ेंगे. जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ेंगे तो आप फिर दो साल बाद कहेंगे कि हमने तो पैसे नहीं कमाए. करेक्ट. इसीलिए इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करें. अगर आपके पास 2.5 लाख की FD है तो आपकी इनकम के हिसाब से और आपके एक्सपेंसेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2.5 से 3 लाख का इमरजेंसी फंड इज गुड इनफ. तो यदि आपके पास ये फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है तो आप उसे किसी लिक्विड फंड में शिफ्ट करें, आर्बिट्राज फंड में शिफ्ट करें, एक सर्टन रिटर्न आपको आएगा और आप उसे इमरजेंसी फंड की तरफ ट्रीट कर सकते हैं. सेविंग्स में आपने कहा कि आपके पास 3.5 लाख रुपए हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट करें, निवेश करें इक्विटी की तरफ, ना कि आप उसको सेविंग्स में 3.5 लाख रुपए रखें क्योंकि वहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है. जी बिल्कुल. लाइफ इंश्योरेंस आपने टर्म प्लान ले रखा है लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर अंजलि आपके साथ काम करती है तो उनके पास भी अपना एक कवर होना चाहिए. डेफिनेटली हम लोग लेंगे एक अंजलि के नाम से भी लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान. करेक्ट. आपके गोल्स पर आते हैं पराग, बताइए आपके गोल्स क्या हैं. बेसिकली मेरा थोड़ा सा मीडियम टर्म गोल है कि मैं एक गरीब बच्चों के लिए मुझे स्कूल खोलना है और उसके लिए मुझे पता है कि मुझे 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस रखना है और उसके लिए मैंने काम करना तो शुरू कर दिया है. और मेजरली और जो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ या बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी में थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने के लिए कॉर्पस जो रिक्वायर्ड है वो बस मेरा एक मेन अभी मीडियम टर्म का गोल है. कितना कॉर्पस रिक्वायर्ड है? जो एक स्कूल के लिए मैंने सोचा है या बच्चों के लिए कुछ करने का मैंने सोचा है उसके लिए मुझे लगता है कि मिनिमम 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस चाहिए और फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा सकते हैं. 1 CR का आपको कॉर्पस कितने टाइम में चाहिए? मेरा टारगेट है 3 साल का, 2020 या 21 तक. 2020 तक आपको 1 CR चाहिए? हाँ जी हाँ जी. इसके लिए आपने कोई कॉर्पस पहले से जोड़ रखा है? जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, एक तो वो है जो मैंने आपको बताया पहले. और तो वो, थोड़ा सा वो मैंने तो लिक्विड नहीं है पर आपके पास कोई हाँ लिक्विड नहीं है. 2020 तक 1 CR की गोल रखना ये रियलिस्टिक गोल नहीं हुआ. ओके. कैसे हुआ ये रियलिस्टिक गोल? लिक्विड हाँ नहीं, आपने जो पॉइंट बोला कि लिक्विड एसेट नहीं है वो एक मुझे लगता है कि सही बोला आपने क्योंकि अभी मेरे मेजर इन्वेस्टमेंट या जो है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में है 2-3. तो मेरा प्लान था कि उनको सोल्ड करके तो फिर थोड़ा कॉर्पस वहां से इकट्ठा हो जाएगा और 40-50 लाख जो है जो मैंने प्रोजेक्शंस कर रखी हैं नेक्स्ट 2-3 ईयर्स की वहां से हो जाएगा ऐसा मैं मान रहा था फिलहाल. ओके. ये भी मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा है बिकॉज जब रियल एस्टेट आप बाहर लिक्विडेट करने के लिए निकलेंगे तो वो कैसे होगा, उसकी एक प्रोसेस है, वो कितना समय लेगा ये हम नहीं जानते हैं. नहीं बिल्कुल सही. ठीक है. सो रियलिस्टिक गोल्स रखते हैं कि जो अचीवेबल हो. अगर आपको 20 साल में 1 करोड़ चाहिए तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि ठीक है आप अब से पराग 10,000 की SIP शुरू करें. हम 12% भी रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं तब जाके आप 20 साल बाद 1 करोड़ की कॉर्पस को इकट्ठा कर पाएंगे. अगर 2 करोड़ चाहिए तो 20,000 और 3 करोड़ चाहिए तो 30,000 पर आप 3 साल में अगर मुझसे कहेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो आप मैं या दुनिया में कोई कर सकता है जो ये कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाए लिक्विडिटी के बगैर. बिल्कुल बिल्कुल लिक्विडिटी के बगैर तो नहीं हो सकता. सही बोल रहे हैं आप. तो खैर हमने इसीलिए हमने भी सोचा था कि हम थोड़ा अपने SIPs को बढ़ाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 3 साल नहीं भी तो 5 साल 10 साल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम SIPs को भी बढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है 10 साल के अंदर अंदर
SIP अभी जैसा मैंने बताया था 15,000 की जा रही थी, तो उसको धीरे धीरे हम 20-25,000 पर मंथ अभी इस साल से शुरू उसके बाद करने का मैंने सोच आपसे एक रहा प्रश्न पूछा था, वो याद है आपको? था। क्या पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा था कि फंड सिलेक्ट करने से पहले क्या आप अपने अपनी प्रायोरिटीज, अपनी अपनी स्थिति, अपनी इनकम, सेविंग्स, ये सब देख के आपने फंड शुरू किए थे, कि बस आपको किसी ने कहा कि म्यूचुअल फंड में शुरू कर दीजिए तो आपने कर दिए? गोल्स को स्पेसिफाई कीजिए कि मुझे 10 साल में इतने पैसे चाहिए, तो उसके लिए ये इतनी SIP होगी, इस पर्टिकुलर सेक्टर में होगी, क्योंकि मुझे 10 साल में चाहिए। जिस चीज के लिए आपके पास 20-25 साल है, उसमें आप स्मॉल या मिड कैप सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है? तो जी इस तरह से बाइफरकेट कीजिए, प्लीज एजुकेट योर सेल्फ। किसी के बोलने से रैंडमली फंड्स में निवेश मत कर दीजिए। जी और ये आपने सही बोला। अब हम जो भी SIPs थोड़ा करेंगे आगे, तो हम अपने गोल्स को ध्यान में रख के अकॉर्डिंगली उस फंड को या SIP को एलोकेट करेंगे। करेक्ट पराग, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच मैम फॉर गाइडिंग अस। जो थैंक यू SIP मैम। का आपने बताया वो बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे उस चीज को। जी एब्सोल्यूटली, देन यू विल अर्न अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर एंटायर पोर्टफोलियो, ठीक है? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन गेट रिच विद आशिका। आई विश यू अ वेरी वेल्दी लाइफ।